बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि नया सदस्य हूँ, इस परिवार ने मौका दिया अपने साथ आने का, वेरी एक्साइटेड। जी जी यार, अच्छी बातें हैं, मतलब एक मौका मिला, इतने सारे लोग, इतना बड़ा चैनल, इतना पुराना चैनल, एक पूरा परिवार मिलकर एक कपल की शादी करा रहा है, तो जब दो परिवार मिलकर शादी कराते हैं तो प्यार मिलता है, जब इतना बड़ा परिवार मिलकर शादी करा रहा है तो क्या ही बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं अपनी डिज़ाइनर को बोलना चाहूँगा, सुगंधा सूद, मैं बहुत एज पे रहता हूँ, लास्ट मोमेंट मैं सहबान रिम्स हम सब शूट कर रहे थे और मैंने आई कॉल्ड माय डिज़ाइनर, उन्होंने कहा प्लीज़ कुछ कर दो, एंड देन जी जी He's killing it. वो हम लोग को और रियलाइज़ करा रहे हैं कि forever alone का मतलब क्या होता है। हम लोग यहाँ मेहनत करे जा रहे हैं और वो मेहनत करे जा रहे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। इधर आ जाओ सर। हेलो पीपल, हेलो 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 या यार, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, दो लोगों का रोका करा रहा है, उनकी शादी करा रहा है, मतलब किसको, मतलब मुझे लगता है मुझे भी जी को अप्रोच करना चाहिए, मेरा भी रोका करा दो भाई। मतलब कुछ तो करा दो यार, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, वेरी गुड इनिशिएटिव बाय जी, और आई एम एक्साइटेड टू सी देम, आई हैव टू मीट द कपल ऑल्सो, तो देखते हैं कुछ मज़ा आने वाला है, बहुत सारे दोस्त भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे और एक रोका हो रहा होगा, दो लोग मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। हाँ जी, मुझे बोला गया तैयार होने के लिए। कमाल, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके लिए कोई चिट्ठी भेज दो, कोई चिट्ठी में लिख दो कि मैं उनका फ़ैन हूँ। बहुत अच्छा गाते हैं यार वो, उनकी भजन और बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, और बिग बॉस में वो अलग दिख रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ यार ये मल्टी टैलेंटेड आदमी है, तो यार बहुत सही है ये तो, हाउ नाइस इज़ दिस। तो आई एम एक्साइटेड टू सी अनूप जलोटा इन बिग बॉस, आई डोंट यूजली वॉच बिग बॉस, बट अनूप जी के लिए मैं ज़रूर देखूँगा। थैंक यू। Thank you.